16 आज वैक्सीन लगवाने आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कोई इसी तरह का डर तो नहीं लग रहा? नहीं। कितनी एज होगी बेटा आपको? 16। कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवाने आए? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, किसी तरीके का डर तो नहीं है? वैक्सीन लगना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को अगर नहीं लगेगा तो मुश्किल रहेगा ना, तो बीमारियां बढ़ सकती हैं। आप यहां पे वैक्सीन लगवाने आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पूरे गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं एकदम कोरोना के? एकदम। वैक्सीन लगवाई? नहीं अभी। अब लगवाएंगी? हाँ। कोरोना से लड़ने की आज देश भर में एक नई लड़ाई शुरू हो गई। आज से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लग रहा है, जिसका इंतजार देश को एक लंबे समय से था, वो इंतजार आज खत्म हो गया है। 2022 में आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 15 से 18 साल के बच्चे वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। आइए हम उन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके अंदर किस तरीके की चीज़ें, उनके मन में क्या चल रहा है। आपकी एज? 16। आज वैक्सीन लगवाने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कोई इसी तरीके का डर तो नहीं लग रहा? नहीं। कितनी एज होगी बेटा आपको? 16। 16, कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवाने आए? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, किसी तरीके का डर तो नहीं है? कितनी एज होगी आपकी? 17। कितने, कहाँ से रहने वाले? देवकाली फैजाबाद, अंशुमन शुक्ला। आप यहाँ पे वैक्सीन लगवाने आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पूरे गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं एकदम कोरोना के? एकदम। आपके यहाँ के बिहेवियर कैसा है, यहाँ के स्टाफ का? अभी तक तो अच्छा है। अच्छा। अंदर जाने का? कौशल उपाध्याय। कितनी एज होगी आपको? 18। कैसा लग रहा है आज वैक्सीन लगवाने आए हैं? थोड़ा डर लग रहा है सुई से। मुझे लग रहा है, लंबे समय से इसका इंतजार था। आपके पेरेंट्स ने भी वैक्सीनेशन किया करवाया होगा? जी बिल्कुल, सभी लोग। तो सभी लोग स्वस्थ हैं? जी बिल्कुल। क्या एज होगी आपको? 18। क्या आप वैक्सीनेशन लगवाने आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या किसी तरीके का डर नहीं? आपको क्या लगता है जो वैक्सीन लगेगी इससे कोरोना महामारी में एक कोई राहत मिलेगी? हाँ, एक राहत तो मिलेगी, आप लगवा रहेंगे तो आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा बचने के लिए, वही चीज़ है। बहुत अच्छी तरीके से देख रही हूँ, और हम लोगों ने 16 जनवरी 2021 से शुरू किया है, आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों का लग रहा है। और बच्चों की आईडी यदि कोई नहीं है तो स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड से ही हम लोग वेरीफाई कर दे रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है? ऑनलाइन। किस पेज पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है? किस पेज पर? कोविन ऐप और आरोग्य सेतु, दोनों से। हाँ। कितने बच्चों ने आज वैक्सीन लगवाई? अभी तक 40 70 हो गए। हाँ, 70। आगे आपकी क्या रणनीति है, क्या लगता है कि बच्चे किस तरह का उत्साह है बच्चों के बीच में, बच्चे किसी प्रकार से डरे या फिर? बच्चों को किसी प्रकार का डर नहीं, बड़ी उत्साह के साथ आ रहे हैं और लगवा के खुशी खुशी जा रहे हैं। क्या आपने यहाँ पे क्या सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ों का पालन किया? या बच्चे एकदम अच्छे से आए? और हाँ, अच्छे से आए और पूरी मतलब सलीके से आए, जैसे मैंने गाइडलाइन दी, बैठे और लगवाए और चले गए। ऑब्जर्वेशन रूम में बैठ के 10 मिनट बच्चे चले गए। आपने वैक्सीन लगवाई? नहीं अभी। अब लगवाएंगी? हाँ। क्या बेटा वैक्सीन लगवाया अभी? नहीं। किसी तरीके का डर है वैक्सीन को लेकर? नहीं। लगवाना है? हाँ लगवाना। वैक्सीन लगवाना है? यस यस। वैक्सीन को लेकर कोई डर आप लोगों के अंदर? नहीं। आप लोगों को क्या लगता है उससे सेफ है आप लोग? यस। क्या मिलेगा वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपको, क्या प्रोटेक्शन मिल जाएगी? और नहीं तो क्या मिलेगा? हमारे साथ स्कूल के स्टूडेंट मौजूद हैं, तो 15 प्लस के हैं ये बच्चे। कुछ बच्चे वैक्सीनेटेड हैं, कुछ बच्चे वैक्सीन आज लगवाएंगे, और हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, आप एक टीचर हैं, आप बच्चों को देखती हैं और बच्चों को बताती हैं, तो आपको क्या लगता है जो वैक्सीन लग रही है बच्चों के लिए सेफ है? हाँ, एकदम सेफ है, बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आप क्या संदेश दे रही हैं बच्चों को? हम यही संदेश दे रहे हैं बच्चे की, जब टीका लगवाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हमारे देश भी सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो मैम, इससे पहले तो अडल्ट को आपको क्या लगता है, कोई साइड इफेक्ट या कुछ इसके बारे में, साइड इफेक्ट वगैरह है कुछ? नहीं, साइड इफेक्ट कोई नहीं, हम लोगों के एकदम सब फ्री माइंड। मैम, विपक्ष अखिलेश यादव तो कह रहे थे वैक्सीन मत लो, वैक्सीन लोगे तो ऐसी वैसी बीमारियां नहीं जाने वाली या कुछ, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वैक्सीन से भाई बीमारियां जो है चली जाएंगी, वैक्सीन लगवाना जरूरी है हम सभी बच्चों के लिए, देश के लिए, सभी सुरक्षा के, अपने सुरक्षा के लिए। अपने बच्चों को मैं यह संदेश देती हूँ कि सबको जो है वैक्सीन लगवाना जरूरी है। बाकी सभी बच्चे और गार्जियन को भी बुलवा के हम लोग मीटिंग लेते हैं और कहते भी हैं कि भाई आप लोग भी जागरूक होइए और अपने बच्चों को और अपने परिवार को भी जागरूक करिए कि वो वैक्सीन लगवा करके और अपने आप को सुरक्षित रखें। और बेटा क्या एज होगी?
वैक्सीन लगना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को अगर नहीं लगेगा तो मुश्किल रहेगा ना, तो बीमारियां बढ़ सकती हैं, तो वैक्सीन लगना ज़रूरी है। वैक्सीन आप लगवाओगे? वैक्सीन लगवाना है? हाँ लगवाना है। हाँ लगवाना लगवाना है। 10 से 18 साल के वैक्सीनेशन को लेकर के आज हम जिला अस्पताल के CMO डॉक्टर RD वर्मा के पास आए हुए हैं। इनसे डेटा लेंगे और जानेंगे किस तरीके से इस बार टीकाकरण हो रहा है बच्चों को लेकर के। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या डेटा है आपका, कैसे किस प्रकार से आपकी बार टीकाकरण बच्चों का हो रहा है? हमारे यहाँ इस बूथ अभी 2 बूथ हैं यहाँ पे 15 से 18 के लिए, और 110 को अभी तक लग चुका है। इसमें 70 फीमेल हैं, 40 मेल हैं। 70 फीमेल हैं और 40 मेल हैं। सर क्या देख रहे हैं आप इस, ये जो चुनौती है ये बहुत बड़ी चुनौती, इससे पहले अडल्ट को लगी थी, अब बच्चों को लग रही है, तो इस चुनौती को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? पूरे देश की 15 से 18 के बीच की आबादी करीब 6 से 8 करोड़ के आसपास है, तो इस समूह को वैक्सीनेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन अब उसको चैलेंज के रूप में लिया गया है। लोगों का भी उत्साह भी है, रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं और काफ़ी मात्रा में लोग आ भी रहे हैं टीकाकरण कराने के लिए, क्योंकि ये वही ग्रुप है जो इन्फेक्ट हो सकता है और इन्फेक्शन फैला भी सकता है। सर कौन सी वैक्सीन है जो बच्चों को लग रही है? कोवैक्सीन ही लगी। कोवैक्सीन ही लग रही है। 15 से 8 में कोवैक्सीन ही लगनी है। तो सर आप जिस तरह से आपने ग्राफ बताया है, तो क्या बच्चों के अंदर किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट या कुछ देखने को मिला? वैक्सीन से अभी तक किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, और अगर किसी को आता है तो उसका इंतजाम हमारे पास है, किट है, मेडिसिन दी जाएंगी उसको, जो भी जैसा भी उसको उस तरह से ट्रीट किया जाएगा। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश को कि बच्चों को, जनता को, देश को, कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में 15 से 18 का ग्रुप जो है वैक्सीनेट हो। धन्यवाद। बाकी आबादी तो काफ़ी कुछ वैक्सीनेट हो चुकी है, ये 6 से 8 करोड़ की आबादी ये वैक्सीनेट हो जाए तो समझिए फुल्ली प्रोटेक्ट हो जाएगा।